हेलो गाइस, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। क्या आपने पहले कभी सुना था कि बैंक से आपके पैसे अचानक से निकल जाते, आपसे ठगी वगैरह हो जाती, ये सब चीजें आम लोगों के साथ हो रही थी। हमारे सामने एक ऐसी खबर आई है जो कि पंजाब के सीएम की पत्नी के साथ 23 लाख रुपए की ठगी हो गई। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और उसके बाद उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए उसके ऊपर, क्या वो अपराधी को पकड़ पाए, क्या ये सब चीजें हुई, हम सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ या कोई फ्रॉड कॉल आया है आपका बैंक का, ये वो सब चीजें आई हैं, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट के रूप में जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो आज की जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के अकाउंट से 23 लाख रुपए निकाल दिए गए। हम आपको बता दें कि पहले बहुत सारी चीजें सुनने के लिए आ रही थी, लोग बोल रहे थे कि अगर कोई भी आपको फ्रॉड कॉल आता है, कुछ भी ऐसी जानकारी मांगी जाती है तो आप उनको मत दें, क्योंकि ऐसी सब चीजें आ रही थी कि कोई भी इंसान आपके, आप जहां पर बैठे हो लाखों लाखों मील दूर बैठ के, वो आपके अकाउंट से अचानक से आपका पूरा पैसा गायब कर देता था। उसकी वजह ये थी कि आपके अकाउंट का आप जो जानकारी देते थे उसी तरीके से ये सब चीजें हो रही थी आम लोगों के साथ, आम आदमियों के साथ। अभी तो उन लोगों ने मुख्यमंत्रियों को भी नहीं छोड़ा, बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी कॉल आ रहा है। उसी तरीके से सीएम की पत्नी परनीत कौर को एक फोन आया जब वो अपने घर पे बैठी थी, एक फोन आया जब वो अपना पर्सनल एक काम कर रही थी, तब उनको ये बोला गया सामने से कि आपकी सैलरी आई है, तो सैलरी आपके अकाउंट में डालना है, तो उसकी कुछ अपडेट्स वगैरह चाहिए। मैडम, मैं SBI बैंक से उसका मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। तो बस इतनी बात बोली और उन्होंने बोला कि मुझे सैलरी वगैरह आनी है, तो अगर आप नहीं दोगे तो सैलरी नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने उसने सामने वाले जो शख्स ने, उस जिसने बताया था कि वो मैनेजर है, उसने मांगा उनका ATM कार्ड का नंबर, और उन्होंने उसके साथ ही मांगा जो ATM कार्ड के पीछे जो नंबर रहता है जिसको बोलते हैं CVV नंबर, वो भी तक उन्होंने मांगा। और उसके बाद जब मांगा कुछ ही देर के बाद उनके अकाउंट से एक झटके में ही 23 लाख रुपया ठग लिया गया। और जब ये चीज उन्होंने देखी तब वो परनीत कौर वो समझ गई थी कि उनके साथ ठगी हुई है। तभी के तभी उन्होंने नजदीकी अपनी पुलिस वालों को वहां पर बुलाया और उनको ये पूरी जानकारी दी। तो जानकारी देने के बाद पुलिस आ गई हरकत में, और हरकत आने के बाद उन्होंने पूरी जानकारी निकाली कि यहाँ ये कहाँ से कॉल आया था। सब चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई गाइज। अगर किसी और के साथ ये सब चीजें होती, कोई आम इंसान के साथ ये सब चीजें होती, तो पुलिस इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होती, इतने जल्दी सब चीजें नहीं करती। ये एक सीएम की पत्नी है और खुद भी राजनीति में है, इसीलिए इनका प्रेशर है, तो पुलिस बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गई और उसकी झटमट से ही जानकारी निकाल ली। मतलब कि वो गए अपनी टीम को लेकर झारखंड, जहां पर उन लोगों को पता चला था कि कुछ मिलो दूर बैठे हुए एक शख्स ने इनके अकाउंट से 23 लाख रुपए निकाल लिया है। तो वहां पे जाके उस शख्स को जब देखा, रंगे हाथों पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो झारखंड से, वो पंजाब पुलिस उनको पंजाब ले आई। और उस अपराधी का नाम है अताउल अंसारी। अताउल अंसारी के बारे में जब देखा गया, जब और भी पड़ताल की गई, तब ऑलरेडी उसके ऊपर ऐसा ही एक पहले भी केस था, और वो केस इसलिए था कि उसने किसी और के साथ भी इस तरीके से ऑनलाइन ठगी की थी। और फिर दोबारा से अभी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कड़ी जांच चल रही है, उसको रिमांड में रखा गया है, उससे और भी जानकारी निकाली जा रही है कि उसका आगे का प्लान क्या था, और भी उसने किन किन लोगों के साथ ठगी की है, ये सब चीजें वहां पर अभी चल रही है। सो गाइज, अगर मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, ये सब चीजें फ्रॉड वगैरह जो भी होते हैं, ये लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं कि लोगों से किस तरीके से पैसा लिया जाए, उनको कैसे ठगा जाए, तो उसी तरीके से कोई भी इंसान जल्दी जल्दी बच नहीं पाता। तो पर आपको सावधान होना बहुत ही जरूरी है, आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में। अगर आपका ATM है तो ATM में आप अपना
जो स्टार्टिंग का नंबर है बस वो ही दे सकते हो, जो आपका पीछे CVV नंबर है प्लीज किसी को मत दो। अगर आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो सिर्फ उसका नंबर आप ही को पता होना चाहिए, ना कि किसी और को। अगर किसी और को उसका नंबर पता चल गया तो आप बड़े लॉस में पड़ सकते हैं, आपकी सेविंग मनी भी ठग हो सकती है, उड़ सकती है। तो गाइज अगर आज की जानकारी जान के आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमें एक लाइक, हमारे चैनल के लिए एक लाइक करते हुए जरूर जाइए और एक कमेंट ठोकते हुए भी जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और अब तक हम नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।